हिंदुस्तान एक वक्त भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम थे सोने की चिड़िया, लेकिन 1750 में जब यहाँ के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस समय हिंदुस्तान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 24.5% का था उत्पादन के क्षेत्र में। कुछ हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि मुगल काल में जो जीडीपी का जीडीपी जो था, अब वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का 27% हम लोग के पास था। आप सही कहते हैं कि ऐसी फिगर्स थी, और ज़्यादातर ये आबादी पर हैं। चीन को ज़्यादा था, हमारा कम था। हमारी आबादी जो थी उसके हिसाब लगाया जाता है पॉपुलेशन। हिंदुस्तान के लिए तो बल्कि ये कहते थे कि दुनिया का वर्कशॉप है। जो अंग्रेज यहाँ आते थे, क्योंकि यहीं से दुनिया भर में कपड़ा जाता था, नील जाता था और उसका मटीरियल जाता था, लेकिन कपड़े की खास तौर से बहुत कदर थी, हर कहीं का कपड़ा था। तो उससे ये मालूम होता है कि उस ज़माने की पर कैपिटा इनकम उससे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन ज़्यादा थी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1911 में थी, उससे ज़्यादा थी। उसमें बहरहाल ये है कि मैं आपसे अग्री करता हूँ कि ज़ाहिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हिंदुस्तान और चीन के बहुत बड़ा रुकमत हमारी इकॉनमी थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, इतना कपड़ा यूज़ करते थे।